एक तरीके से जनता ने पानी फेर दिया और उसके बाद ये जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और जम उत्साह उमंग जोश और खुशी। शुभम ये तस्वीर बता रही है कि कितने जोश में कितने खुश हैं। पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास भी कर रही है लेकिन इतने जो उत्साह में है कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और जीत के बीजेपी के झंडा लहराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ नहीं दो तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जश्न की तस्वीर आप देखेंगे। एक तरफ इधर है तो दूसरी तरफ भी बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। एक तरफ जरूर कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी जीतते जीत रहे हैं उनके समर्थक भी हैं लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त शुभम और ये कह सकते हैं कि पटाखा फोड़ रहे हैं, ढोल ताशे पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं क्योंकि जीत भी राजधानी भोपाल में शुभम ऐतिहासिक हुई है बीजेपी की। जो तो इतनी उम्मीद तो कांग्रेस को भी नहीं थी और बीजेपी के दिग्गजों को भी नहीं थी कि इतनी बड़ी उम्मीद करेंगे। कांग्रेस को भी उम्मीद थी कि अगर हार भी होती तो 5-10 हजार के बीच में होगी लेकिन अभी की बात की जाए तो 70 हजार के करीब मालती राय ने बढ़त बना ली और इससे हम ये कह सकते हैं कि निर्णायक बढ़त बना ली है। शब्बीर कुछ युवक कुछ कार्यकर्ता जो है वो बात करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं आपसे, जरा उनसे जानिए कितना उत्साह है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्त उत्साह में है। जीत मिल गई आप लोगों को, बिल्कुल भारी बहुमत से जीत मिली है। भोपाल की राय मालती राय, मालती राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मां और प्रत्याशी बहुमत से विजय हो रही है। भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत खुशी है, भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना पर्चा निभाया है और भोपाल में भी सभी वार्डो के पास हम लोग जीत गए। बिल्कुल शब्बीर, जीत जो है बिल्कुल इनका कहना है कि जीत इन्हें मिल गई है लेकिन आधिकारिक औपचारिक ऐलान होने में कितना देर अभी बाकी है। देखिए जी, हम औपचारिक ऐलान की बात करें तो औपचारिक ऐलान के लिए करीब 1-1.5 घंटा अभी रुकना होगा और उसकी वजह यह है करीब 24 राउंड की वोटिंगों की गिनती होनी है, 24 राउंड में वोटों की गिनती होनी है और अभी की बात करें तो 11-12 राउंड की वोटों की गिनती हो चुकी है और आधिकारिक ऐलान की बात करें तो 10 तक बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया और उसी में करीब 68 हजार वोटों से मालती राय आगे निकल गई और यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी करीब 1.5 घंटा और इंतजार करना होगा और उसके बाद ये कह सकते हैं कि वो पल जिसका इंतजार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे लंबे समय से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद, खबर को विस्तार से बताने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।